ट्रेन हर वर्ग के लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है ट्रैवलिंग का, जो कहीं हद तक सेफ भी होता है। लेकिन कई बार खराब किस्मत या प्रशासन की लापरवाही से ट्रेन दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ऐसे ही राजस्थान में पाली जिले के बोमादड़ा गांव के पास सोमवार सुबह करीब 3:30 बजे सूर्य नगरी सुपरफास्ट ट्रेन पटरी से उतर गई। ट्रेन के 3 डिब्बे पलट गए, जबकि 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत रही कि हादसे में फिलहाल किसी की जान जाने की खबर नहीं है। 24 यात्री घायल हुए हैं, इसमें 4 स्काउट स्टूडेंट भी शामिल हैं। मौके पर भारी संख्या में रेलवे, पुलिस और प्रशासनिक अफसर पहुंच चुके हैं। हादसे के कारण की जांच की जा रही है। हादसे से यात्री बुरी तरह घबरा गए हैं। ट्रेन से अपना सामान निकालकर पटरी पैदल ही आगे जाते नजर आए। हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार बचाव कार्य की मॉनिटरिंग करते रहे हैं और घायलों को तत्काल मुआवजा भी दिलवाया है। सूर्य नगरी एक्सप्रेस बैंड्रा मुंबई से जोधपुर आ रही थी। 2:48 पर मारवाड़ जंक्शन पहुंची थी। यहां से 3:09 पर पाली के लिए रवाना हुई। इसी बीच बोमादरा गांव के निकट हादसा हो गया। ट्रेन के S3 से S5 डिब्बे पूरी तरह पलट गए हैं। हादसे के समय ज्यादातर यात्री नींद में थे। घटना के बाद रेलवे ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। हादसे में घायल हुए यात्रियों में एक महिला गंभीर बताई जा रही है, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ट्रेन में कुल 26 डिब्बे थे। बताया जा रहा है कि ट्रेन में 150 से ज्यादा स्काउट गाइड भी थे। ये पाली में होने वाली जम्बूरी में आ रहे थे। हादसे की सूचना पर स्काउट के गोविंद मीना, जितेंद्र भाटी सहित कई अधिकारी पहुंचे। हादसे के बाद रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद बचाव कार्य की मॉनिटरिंग करते रहे और उन्होंने घायलों को तत्काल मुआवजा भी दिलवाया। घायल हुए 26 लोगों को तुरंत मुआवजा भी दे दिया गया है। हादसे में कुल 26 लोग घायल हुए हैं। पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में सोमवार सुबह भर्ती 17 मरीजों को मौके पर ही मुआवजा राशि दी गई है। यात्री इंदु देवी के पैर में फ्रैक्चर हो गया है, उन्हें गंभीर घायल मानते हुए रेलवे ने 1,00,000 रुपए दिए हैं और शेष मामूली घायलों को 25,000 रुपए मुआवजे के रूप में दिए गए हैं। जो यात्री प्राथमिक उपचार के बाद घर चले गए हैं, उन्हें भी रेलवे की ओर से मुआवजा दिया जा रहा है।